कन्या का कहना है कि हमने हवन पूजन पाठन सब कुछ किया अपने देवताओं और पितरों की प्रसन्नता के लिए। रीना का कहना है कि अभी मैं आपकी अर्धांगिनी पूर्ण रूप से नहीं हूँ, मेरे सात वचन है, आप स्वीकार कर लीजिए तब मैं आपके भाई में स्वीकार कर। तो सात वचन कन्या लेती है। की लब्धोऽसि तो मैं भरता पुनश्च विविधैः कृतैः देवी संभुजिता नित्यं बंदिनी मे सदा। सुख दुखानि कर्माणि गृहस्थस्य भवन्ति भव सौम्यं सदैव त्वं कन्या एकमीश्वरी देवी। कन्या कह रही है कि बड़ी देवी देवताओं की मैंने पूजन किया तो आपके जैसे वर की प्राप्ति हुई, लेकिन आपसे एक वचन लेना है कि जीवन के दो पहलू हैं, सुख और दुख। दुख आएगा तो सुख भी आना है, सुख आएगा तो दुख भी आना है। लेकिन आपको वचन ये देना है कि दोनों ही परिस्थितियों में समान रूप से मेरे साथ जीवन व्यतीत करना है, सुख में भी स्थिर रहना है और दुख में भी। इस वचन को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बाएंग में आना स्वीकार करती हूँ। बोलिए स्वीकार है तथा स्वीकार सीधा ठीक है। दूसरा वचन है कि वापी कूप तड़ागानी यज्ञ यात्रा महोत्सव नारद्ञा द्विवर्जे तथा कन्या कर रही है कि वापी कूप तड़ागानी, हम अपने मन से किसी का पर उपकार करते हैं, भला करते हैं तो हमारा भला खुद हो जाता है। उसके कई तरीके हैं, हम कुआं खुदवाते हैं, बागीचा लगाते हैं, किसी को यात्रा कराते हैं, यज्ञ में सम्मिलित करते हैं। इस तरह का विचार आपके मन में होना चाहिए, इससे हमारे देव पितर सब प्रसन्न होते हैं, हमारा जीवन धन्य होता है। तो इस तरह का कार्य करने की प्रवृत्ति आपके मन में होना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुखी रहे, हमारे देवता और पितर प्रसन्न रहे। इस वचन को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बाएं अंग में आना स्वीकार करती हूँ। स्वीकार है ठीक है। तीसरा वचन है व्रतोद्यापन दानानि स्त्रीणा भाव स्वभाव जा कृत भंगेन ते कार्य स्त्रीणा रहस्तदावदित। कन्या करिए कि दान करना, व्रत करना, उद्यापन करना स्त्री का स्वभाव होता है। अगर मैं व्रत करूं, दान करूं, उद्यापन करूं किसके लिए? देवताओं और पितरों की प्रसन्नता के लिए, अपने परिवार की सुख के लिए, अपने जीवन के सुख के लिए। तो उस कार्य में आपको अवरोध उत्पन्न नहीं करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने सत्संग ले लिया, बोल दिया हम तो देवता देवी छोड़ दिए, आजकल चल रहा है ज्यादा। इस वचन को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बाएं अंग में आना स्वीकार करती हूँ। स्वीकार है। चौथा वचन है स्वकर्मणा अर्जितम। अब ये सोच रहे हैं कि हम ही दोनों समझ लेंगे, बाकी तो अपने अपने घर चले। समझ रहे हैं इनको पड़ेगा पंडित जी। सही बात है। स्वकर्मणा अर्जितम वितम पशु धान्य धनागमम स्वर निवेदयितम चत्वारिति तथा वदेत। कन्या करेगी अभी आप आज से पहले क्या कमाया, कैसे कमाया, मुझे कुछ पता नहीं, कुछ मालूम नहीं है, ना कोई मतलब है। लेकिन आज हम एक पवित्र बंधन में बंध रहे हैं, आज के बाद अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ से कमाए हुए धन से ही अपनी गृहस्थी चलानी है, किसी पे आश्रित नहीं रहना है। इस वचन को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बाएं में स्वीकार करते हैं। स्वीकार है। स्वीकार है। पांचवा वचन है गजस्वादि पशुनाम च हेयोपादेय कारणम अनापेक्षण कर्तव्य पंच पंचविधि संबंधित। कन्या करी पांचवें वचन में कि घर में गाय पशु क्रय विक्रय धन लाभ हानि जितना भी है उस सब का सलाह मेरे साथ करना होगा। आपने क्या कमाया, कितना बैंक बैलेंस है सब बताना पड़ेगा। पहले से पता होगा। कुछ करने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ बताना पड़ता है। नहीं पता पहले से ही है। इस वचन को स्वीकार करते हैं तो बात बाहर लेना स्वीकार। छठा वचन है भूषणानि विचित्राणि रत्न धातु यानि च दद्यात् प्रतिक्रियात् खष्ट्वा त्रित्वापि सपदेत।
कन्या का कहना है कि हमारे देश में 6 ऋतुएं हैं, शरद, ग्रीष्म, हेमंत, शिशिर, वर्षा, इन बसंत, इन ऋतुओं के अनुसार खान पान और पहनावे में अंतर होता है, तो इन ऋतुओं के अनुसार आपको मेरा पालन पोषण करना है। और साथ ही कन्या कहती है कि एक लड़की कन्या बाल्यावस्था से युवावस्था तक पिता के संरक्षण में रहती है और युवावस्था से वृद्धावस्था तक पति के संरक्षण में रहती है। तो आज से मेरी रक्षा का कार्यभार आपकी ड्यूटी है, ऐसा ना हो कि मैं संकट में पड़े हूँ, आप पीठ दिखाकर चल दिए फंसे रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी पूरी रक्षा पालन पोषण आजीवन एक पति का धर्म होता है और इसे आपको निभाना पड़ेगा। इस वचन को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बाएं अंग में स्वीकार। सातवां वचन है कि गीत वादित मांगल्यम बधुनाम च गृहस्थ अनाहुता किमिषं कामं प्रतिपादयति। कन्या कह रही है एक स्त्री का सबसे बड़ा धर्म होता है पति की आज्ञा का पालन करना, वो तो मैं करूँगी, बाद में क्या होगा भगवान। लेकिन मेरा एक वचन है कि मेरे भाई के घर में अक्सर मंगल उत्सव होते रहता है। एक भाई बहन का प्रेम बहुत अगाध प्रेम होता है। अगर मेरे भाई के घर मंगल उत्सव हो रहा है, आप घर पे नहीं हैं, तो मैं किससे आज्ञा लेने जाऊंगी? उस परिस्थिति में मैं आपकी आज्ञा के बिना भी भाई के घर मंगल उत्सव में, शब्द को समझना, मंगल उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आपकी आज्ञा के बिना भी मैं जा सकती हूँ। इस वचन को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बाएं में आना स्वीकार करती हूँ। स्वीकार है, बोले गणेश जी महाराज की। चलिए इन्होंने चार वचन आप सुना दें। सुनो जी, एक मिनट, चार वचन आप सुना। इसलिए कि यह जो है शंकर भगवान है और यह पार्वती है, दोनों बराबर नहीं होते। शंकर भगवान तो पूरा नहाते रहते पूरे से सुबह से शाम तक, है ना, तो कहते हैं कि हम तो नारी आपका सामना हम कैसे, कुछ वचन कम कर दीजिए। प्रभु आप दयावान हैं, तो शंकर भगवान बहुत दयावान है, नाम ही है भोलेनाथ, बोलो शंकर भगवान की जय। तो तीन वचन कम कर दिए हैं। उद्यान च मद्यपान च पिता गृहण च आज्ञा भंगो न कर्तव्यम, अर्थात उद्यान का नाम है अर्धरात्रि, दोपहर का समय 12 बजे के बाद अर्धरात्रि हो गए, उस समय घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब कहते हैं पति कहे कि 12 बजे के घर के बाद नहीं जाना चाहिए, और पार्वती माता कहे जावे यदि घर में आग लग जाए तब, कोई बीमार पड़ जाए तब, क्या आपका प्रतीक्षा करेंगे? बोले नहीं, आपत्ति कारण मर्यादा नास्ति, आपत्ति कारण कोई मर्यादा दिखने की आवश्यकता नहीं है, जा सकते, बीमार हो जाए तो जा सकते हैं, किसी का ऐसा परिस्थिति हो तो जा सकते हैं। तो प्रथम वचन हुआ तो बेटा भगवान विष्णु भगवान को अग्नि को साक्षी मानकर सभी देवता विराजमान है, स्वीकार करो, स्वीकार है। दूसरा वचन कहते हैं पिता गृहणे च, आज तक माता पिता सबका बड़े ही शुभ और बड़े ही सुंदर होते, सबका माता पिता का घर, लेकिन आज से आपका घर वहाँ हुआ, बगैर बुलाए हुए मेहमान को, यहाँ पर जितने भी आपके नाते रिश्तेदार, मौसी, मामी, फूआ जो भी आए हुए हैं, सबको न्योता मिला, कार्ड हमारे भी दिए हुए हैं, जो आपको शादी ब्याह पढ़ाने आना है तो हम आपके यहाँ आए हैं, बगैर निमंत्रण को जो है पिता का घर भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वह पिता का घर क्यों नहीं हो, इसलिए बगैर निमंत्रण को नहीं जाए। छठी किस स्थिति में, जब आपको शुद्ध सब काम हो, विवाह हो, मुंडन हो, यज्ञोपवीत हो, घर में कथा पूजा हो, माँ पिता के घर, और आपको न्योता नहीं दिया गया हो, सती जी नहीं माने, बोले नहीं, सब लोग सुंदर सुंदर विमान पर जा रहे थे, तो बोले कहाँ जा रहे हैं, आपके पिताजी यज्ञ किए हैं दक्ष जी महाराज, और नहीं माने, बोले नहीं मैं तो जाऊंगी, हमारे पिता यज्ञ किए हैं, हमें जाना चाहिए, शंकर भगवान लाख मना करने पर नहीं गए और उनका अपमान हो गया, इसीलिए
बगैर बुलाए में नहीं जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन स्वीकार बेटा, तो हाथ आगे करो पंडित जी, कोई बात नहीं बेटा को। हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। और क्या अभी लड़की को बुलाओगे नहीं तुम? बिल्कुल दोगे, चलो जाके बढ़ो। तीसरा ऑप्शन कहते हैं आज्ञा भंगो न कर्तव्यम, कहते हैं देखिए आप सुनिए जी, सब लोग हमारा सुनाना काम है, बात मानो न मानो वो तो आपका कर्म है। हमारा जो धर्म है हम अपना कर्म करते हैं, जो शास्त्र पढ़ता है वो हम कह रहे हैं, मानो या न मानो वो तो आपका धर्म है। कहोगे तो ये भी छोड़ देंगे, हमें क्या जाना। नहीं पंडित जी आगे बढ़ो। तीसरा ऑप्शन कहते हैं पिता ग्रहण छो आज्ञा भंग मद्रा पाने छो, जो मद्रा पान तो सब जानते हो, मुंह हाथ ही धोते कुल्ला आचमन करते, सुबह उठे लगाए मुंह हाथ धो लिए, लेकिन कदाचित तुम खास करके उससे दूर रहना जो यह मद्रा पान करते हो। अभी यहाँ पर करके आ जाए तो कौन देखेंगे, हमारे बुआ है कौन, हमारे मौसी है कौन, हमारे चाचा है, किसी को कुछ कह सकते हैं, इसीलिए उनसे मुंह ही नहीं लगाना चाहिए। जैसे कीचड़ हो और उसमें पत्थर मार दो तो छींटा हमें ही पड़ेगा। खुला डालना है पर्दा कर, खुला डाल दो अभी, पर्दा करके डालेगा, खुला या हम कैसे डालेगा, फोटो निकालेंगे ना तो पर्दा करके, कोई नहीं उसकी बात कर देना, पहले पर्दा डाल दो, पर्दा डाल कर लो तो हो नीचे और नीचे आप पीछे से हट जाओ, यहाँ देखे मैम कम वेट, मंगलम कुंडली कौन है? सोई नहीं क्या फिर गई क्यों दीघर? बैठे देख ले थी? दो ना पांच पंडित, पांच ये तो ऐसे खुल के जाए।
पैसा उल्टा नहीं हाथ सीधा नहीं है पूरा के ये देना पीछे फेंक एक उधर फेंक गाड़ी में फेंक दियो एक पति के मुंह पर फेंक दी मेरे बुआ के मुंह में खिला दे बुआ के मुंह खिलाने की रस्म होती है लंबा वाला बनाना मेरा अंदर आ गया मुझे तो पसीना छूट रहा है चार बार ऊपर नीचे कर लिया मैंने पानी इसे डाल ले सर पे एक बार पता लगा भी ओ मामी मामी हैया ओ शंकर बो गाना गाओ गीत गाओ गीत गीत गाओ जल्दी गाओ उतारना है अरे आज ये यही रहेगा आज यही रहना अरे नहीं एक दो घंटे में थोड़ा पास पास रखो ना सब पकड़ना पड़ेगा तेरे को ही फोन दे ना फोन के लिए रखा हाथ में फोन नहीं छूट रहा अरे कड़ू जगह ही नहीं है तो लंगड़ी लंगड़ी नहीं खेली क्या तूने बचपन में लंगड़ी लंगड़ी खेली है ना और बैलेंस पकड़ू ये भी हाँ सही है सैंडल में तो हो जाता है बैलेंस ढंग से बनाना पड़ता है लंगड़ा खड़ा हूँ भाई खड़ी रह क्या भाई अरे मेरी गाड़ी बंद कर दो यार मम्मी से मांगे वहाँ से मिला नहीं है अरे मेरे को जेब थोड़ी ना है माता नहीं वो इसलिए ऐसा जेब नहीं है जेब नहीं है ना दे दा बाबू के हाथ में दिया बच्चे को पैसे दिला रहे हैं बच्चे को कभी कभी दिया जाता है बिगाड़ते भी नहीं दिया ना शगुन होता है शगुन होता है यूज ना समझे खाना होता ना यहां पे दस पटक करके पकड़ लेता हां मतलब पता नहीं शिट रेट पता नहीं क्या